पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट और हेल्थ रिसर्च सेंटर के सौजन्य से और मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर के सहयोग से एक निशुल्क नेत्र और सामान्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन पीतल नगरी स्थित MHSC में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हाजी इफ्तखार अली ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सबसे पहले आमंत्रित अतिथियों को पुष्प भेंट कर स्वागत किया गया। इसके पश्चात अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया तथा स्वागत कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। आए हुए अतिथियों के द्वारा मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट एंड हेल्थ रिसर्च सेंटर के द्वारा स्थापित होम मेडिकेयर यूनिट के नववर्ष के कैलेंडर का लोकार्पण किया गया। मुख्य अतिथि हाजी इफ्तखार अली और सम्मानित अतिथियों राजकमल रस्तोगी एडवोकेट और गोपालशील भटनागर एडवोकेट तथा MHSC के महाप्रबंधक डॉक्टर रविंद्र शर्मा को मोमेंटो भेंट किया गया। कैंप में मोतियाबिंद के मरीजों की जांच की गई और जरूरतमंद लोगों को चश्मे की भी जांच की गई, जिससे कि उनको फ्री चश्मे उपलब्ध कराए जा सके। कैंप में करीब 350 लोगों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया और मंच पर सारे सम्मानित मेरे साथी, मैं सामने बैठे भाई और बहनों और इस मुरादाबाद के सबसे ज्यादा सेवा की भाव रखने वाले गांधी जी, रविंद्र जी और मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं आज इस 94 शिविर में जो मुझे मौका मिला है आप लोगों से रूबरू होने का और जो इस ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने मुझे मौका दिया है, मैं सबका बहुत ही आभारी हूँ। मैं बहुत खुशी एहसास कर रहा हूँ कि ऐसे कार्य में सब आज मुझे मौका मिला है। मेरे भाई जो स्वर्गीय विनोद खन्ना जी हैं, उनके साथ में कई बार बहुत ही कार्य में सम्मिलित हुआ, उनका हौसला, उनका जज्बा आज में अपने छोटे भाई नीरज खन्ना के बीच रूप में देख रहा हूँ। उनका हौसला और जो कार्य सेवा कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। दोस्तों, यूं तो शरीर का हर अंग ही हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इस शरीर के सबसे एक अहम अंग हमारा आंख है। आंख के द्वारा हम पूरी दृष्टि को देखते हैं, पूरे संसार को देखते हैं। आप उम्मीद करो, अगर किसी के पास आंख ना है वो देख नहीं सकता है, तो कल्पना कीजिए वो क्या क्या भाव अपने दिमाग में क्या क्या चीजें सोचता होगा और उन सारी चीजों से महरूम होता होगा। तो आंखों के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आंख है और आंखों के लिए काम करना एक सबसे बड़ा उपकार का काम है। मैं शुभकामनाएं देता हूं ट्रस्टियों को, नीरज शर्मा जी को, के इस ऐसे कार्य में जो स्वास्थ्य कार्य में काम कर रहे हैं उनको वो आगे बढ़े और मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा उनके बड़े भाई की तरह, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ये जो कैंप है आज 94th कैंप है और विवेकानंद ट्रस्ट की तरफ से, मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो लगातार इस तरह की हेल्थ सेवाएं प्रस्तुत की जा रही है वो स्मरणीय है। नीरज जी का जो उत्साह है और जो प्लानिंग है वो काबिल तारीफ है। मैं इन्होंने ट्रस्ट को बचाया भी और आगे भी बढ़ाया, साथ ही साथ विनोद भाई साहब पुजारी के बाद जो अक्सर आदमी टूट जाता है, लेकिन उन्होंने दुगने उत्साह से, तिगने उत्साह से काम शुरू किया आगे, और यही वजह है कि आज मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट की सेवाएं हर गली गली मुरादाबाद में गूंजती हैं। और साथ ही आपका व्यवहार ऐसा है, एक टेलीफोन पर हमेशा सारी सेवाएं देने के लिए तत्पर रहते हैं। और एक ये विजन ही है कि आज आपने 2022 कैलेंडर का भी इस अवसर पर अनावरण कराया, तो 2022 आने वाला जो है वो पूरे मुरादाबाद के लिए, देश के लिए शुभ हो। कैंप की व्यवस्था में MHSC के महाप्रबंधक रविंद्र शर्मा, MCT एंड HRC से मिस सादिया आरिफ, सेंटर फॉर साइट से अपूर्वा मिश्रा, श्री कुमार होम मेडिकेयर से
अंकित कुमार ने अपना सहयोग दिया। कार्यक्रम में MHEA के कानूनी सलाहकार, संरक्षक और मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट एंड हेल्थ रिसर्च सेंटर के नोडल ऑफिसर नजमुल इस्लाम एडवोकेट, मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट और हेल्थ रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष सुरेंद्र पाल खोसला, EPCH के COA और यस के नेशनल चेयरमैन, खत्री सभा के कार्यकारी अध्यक्ष, मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट एंड हेल्थ रिसर्च सेंटर के सचिव नीरज विनोद खन्ना, EPCH के COA नबील अहमद, MHEA के अध्यक्ष नवेदुर रहमान, यस की नेशनल वाइस चेयरमैन तानिया भाटिया, यस के चेयरमैन विशाल अग्रवाल, हसनैन अख्तर, नदीम खान, गोपाल शील भटनागर एडवोकेट, राजकमल रस्तोगी एडवोकेट, अनीता राज, समाज सेवी ज्ञानेंद्र गांधी, गुरविंदर सिंह, नोमान मंसूरी, आजम अंसारी, आशुतोष खन्ना सहित काफी संख्या में गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। कैंप में एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और सेंटर फोर साइट के द्वारा चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। मेडिकल कैंप के सफल आयोजन में सहयोगी संस्थाओं के रूप में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, यंग एंटरप्रेन्योर सोसाइटी, खत्री सभा और मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर का सराहनीय योगदान रहा। नाइन्टी फोर्थ आई कैम्प था, हमने पहले ये जो आई कैम्प पहले हमने गांव में शुरू किए थे, मुरादाबाद के बहुत से गांव में बिल्कुल हमने ये अपना मोतियाबीन ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया और इनका ये हमारा पूरा चेकअप होता है। 500-600 पेशेंट हर कैम्प में आते हैं और इनका चेकअप होने के बाद जिनका ऑपरेशन की ज़रूरत होती है वो हम हॉस्पिटल में बुला के वहाँ का उनका फ्री इलाज करते हैं और जिनको एनके की ज़रूरत है उनको एनक भी देते हैं और फ्री एनक भी देंगे, उनका आई के मामले में पूरा ट्रीटमेंट उनका निःशुल्क होता है। मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट एंड हेल्थ रिसर्च सेंटर द्वारा आई कैंप और हेल्थ कैंप निःशुल्क 94th कैंप का आयोजन करा गया। इसमें MHSC जो हमारा मेटल हैंडीक्राफ्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अधीन जो आता है, इस प्रांगण में हमारे जितने भी आर्टिजन्स हैं और आसपास के निर्यात क्षेत्र की फैक्ट्रियाँ व अन्य जितने भी गरीब लोग हैं उनको बुला करके आज यहाँ नेत्र प्रशिक्षण व जो है मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन करा। यहाँ करीब हॉस्पिटल से 5 डॉक्टरों की टीम जो कि जनरल मेडिकल हेल्थ का जांच कर रही है वह 6 लोगों की टीम नेत्र परीक्षण कर रही है। वह इसमें विवेकानंद नर्सिंग कॉलेज के जो बच्चे हैं जो BSc MSc कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर जो है एज ए ट्रेनिंग इस कैंप में लगाया गया है, जिससे कि वो लोग सीखें और जानें कि क्या किस तरह से जो है आगे उन्हें भविष्य में काम करना है। चैरिटेबल ट्रस्ट विवेकानंद हॉस्पिटल द्वारा आज पीतल नगरी में MHSC के अंदर हमारा ये 94th कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में आँखों का चेकअप, हेल्थ चेकअप हो रहा है। अभी तक हमारे यहाँ पर 200 से ज़्यादा पेशेंट अपना चेकअप करा चुके हैं, जिसमें चेकिंग के बाद जिसमें अगर किसी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन है या कोई भी आँखों से समस्या उत्पन्न है उसमें हमारी चैरिटेबल ट्रस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट विवेकानंद हॉस्पिटल कराएगा। वहाँ पर किसी भी तरह की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था जितनी भी वहाँ पर सब चल रहा है पूरा, चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे वो कॉलेज हो, उसके देख रेख के लिए श्री नीरज खन्ना जी स्वयं 2-4 घंटे का समय देते हैं और मैं ये समझता हूँ कि इतने आगे बढ़ चढ़कर जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए पुनः बोर्ड के मेंबरों को और ट्रस्टियों को सबको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए, मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट एंड हेल्थ रिसर्च सेंटर विवेकानंद है ना, एशियन विवेकानंद ने ये एक कैंप का यहाँ पर आयोजन किया है। देखिए, इस क्या है मुरादाबाद, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीतल नगरी के रूप से जाना जाता है, तो यहाँ पर बहुत आर्टिजन हैं हमारे, तो उन आर्टिजन को मतलब सामान्य सुरक्षा, सामान्य स्वास्थ्य, देखिए सुरक्षा के साथ साथ में सामान्य स्वास्थ्य और आई चेकअप, क्योंकि देखिए जब हम स्वस्थ होंगे तो स्वस्थ होने के लिए तभी हम काम कर पाएंगे।
उसके बाद में क्योंकि हैंडीक्राफ्ट का आइटम एक ऐसा है कि हमारे विजन बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, हमारी आंखों की रोशनी ठीक होनी चाहिए, और इस लगातार जो बढ़ता एज इसमें क्या होता है कई बार बहुत सारे बॉडी में चेंजेज आते हैं। तो आर्टिजन्स के लिए विवेकानंद के द्वारा, मतलब मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट एंड हेल्थ रिसर्च सेंटर के द्वारा, श्री नजमुल इस्लाम साहब और हमारे नीरज खन्ना जी और अन्य सभी ट्रस्टी ने और श्री घोसला साहब ने, मतलब यहाँ पर ये आयोजन किया और MHSC ने इसमें पूरा मतलब आगे बढ़ कर के पूरा सहयोग किया है। और उद्देश्य भी यही है कि जो हमारे पीतल नगरी के आसपास में जितने भी आर्टिजन्स हैं वो सब इससे लाभान्वित हों और अपना स्वास्थ्य चेकअप कराएं, क्योंकि इसमें देखिए ये निःशुल्क चेकअप है, इनको आई का भी टेस्टिंग निःशुल्क हो रहा है, अगर चश्मे की आवश्यकता है तो चश्मा भी निःशुल्क मिलेगा। तो ये सभी जो है इस ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है और हमेशा आगे भी भविष्य में भी मेटल हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर इस तरह के कार्य में अपना योगदान देता रहेगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।